क्लास एट फ्रॉम कोल्डोवा चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 टू पार्ट सेकंड। आज हम पार्ट सेकंड एक्सप्लेन करने वाले हैं क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। सो रैशनल नंबर का हमने फुल एक्सप्लेनेशन फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा कि रैशनल नंबर कहाँ से आया है और उसके मतलब पार्ट्स कितने हैं और उसकी आइडेंटिटीज क्या है। यहाँ हमने फुल डिटेल किया है, फुल डिटेल आपको दोबारा कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रैशनल नंबर की आइडेंटिटीज क्या होती है तो वीडियो जरूर देखिएगा, अगर आप एक बार देख लेंगे ये चैप्टर आपका हो गया। ये बात याद रखिएगा, क्यों क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ पे दिया है जैसे अ नंबर विच कैन रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, बट क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। वाई क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज एनी नंबर्स डिविजल बाय जीरो या एनी वेरिएबल्स डिवाइड बाय जीरो इट्स बिकम्स इन्फिनिटी, सो इट इज़ नॉट रैशनल। तो जो रैशनल नहीं होते उसे हम क्या बोलते हैं, इरैशनल। और ये दोनों किससे निकले हुए हैं, रियल नंबर्स के। तो वो वीडियो ज़रूर एक बार बस देखिएगा बस, तो समझ आइए आपसे रैशनल हमेशा के लिए बन जाएगा। ये देखिए कुछ रैशनल हैं जो आपकी प्रॉपर्टीज आपके इस एक्सरसाइज में हैं जो आपको कंफ्यूज करते होंगे क्वेश्चन पे, तो एक बार जरूर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फुल डिटेल हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल भी आप डिस्टर्ब मत होइएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम सब क्रिएट नहीं होने देंगे। राइट डाउन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। अरे भाई एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, पहले हम तो ये सोचेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, ये नेम क्या है, इसका मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि अगर हम आपको कोई भी नंबर दे दें, कोई भी नंबर पूरे होल वर्ल्ड में, तो उस नंबर को अगर वो नंबर आप कितने टाइप्स के देखें, फोर ही टाइप्स के तो हम देखे हैं, फोर टाइप्स के अलावा हम नंबर देखे नहीं हैं। अगर आप देखे हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। पहला एक नॉर्मल नंबर, या तो फिर अपॉन में, या तो फिर आप डेसिमल में, या तो फिर आप मिक्स्ड फॉर्म पे। अगर ये चार के अलावा आप देखे हो तो कमेंट बॉक्स में एक भेज दीजिएगा हमारे लिए भी, हमने तो सिर्फ चार ही टाइप्स के नंबर देखे हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर दिख रहा है ये आपके एब्सोल्यूट वैल्यू ही है, ध्यान समझिएगा। ये फोर जो आपके हमने नंबर दिए हैं सब ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, क्यों उसकी वजह आपको बता देते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि जो भी नंबर आपके पास है वो सभी नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है मस्ट बी नंबर, अ नंबर मस्ट बी पॉजिटिव, यानी कोई भी नंबर हो पॉजिटिव होना ही चाहिए, पॉजिटिव चाहिए नहीं होना ही चाहिए। मस्ट का यूज आप जानते हैं मॉडल्स में, मस्ट का मतलब होना ही चाहिए, शुड मतलब चाहिए, सिंपल। तो अ नंबर मस्ट बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होना चाहिए, वही हम कहलाएंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। अब यार एक क्वेश्चन हम लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हम आपको दे दें -2, अरे -2 है, अब इसे एब्सोल्यूट वैल्यू करना क्या करूं। तो मैथमेटिक्स की हिस्ट्री में एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो माइनस नंबर को भी पॉजिटिव बना देता है, क्या कर देता है, माइनस नंबर को भी पॉजिटिव बना देता है। वो है क्या भाई, उसका नाम है मॉडुला। क्या बोलते हैं, मॉडुला, उसे क्या बोलते हैं, मॉडुला। अब मॉडुला को शॉर्ट फॉर्म में मॉड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉड। अब इसका सिंपल सा साइन क्या है, अब साइन भी बता देते हैं कि इसका साइन क्या होता है। इसका साइन होता है कि कोई भी नंबर हो उस नंबर के अगल बगल दो लाइन ड्रा कर दीजिए, ये इसका सिंबल है, ये क्या है आपका सिंबल, सिंपल। अब ये -2 को जैसे इसके अंदर आप करेंगे वो आपका आंसर क्या दे देगा, पॉजिटिव पे, ये आ गया आपका पॉजिटिव, सिंपल। इसी को हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। जैसे फर्स्ट नंबर में आपका गिवन है, ये हुआ आपका एब्सोल्यूट वैल्यू का डेफिनेशन, ये हुआ आपका इसका मीन्स। चलिए फर्स्ट नंबर आप करते हैं 3/-5, क्लियर। अब अपॉन में हमने आपसे बताया कि फोर ही टाइप्स के आपको नंबर मिलेंगे, सिंपल। ये देखिए फर्स्ट आपका रैशनल में है सभी, यानी ये वाला हो गया।
तो अगर आपको ये नंबर दिए हैं तो आप क्या करेंगे, अप्लाइंग मॉडुला, आप सबसे पहले लिखिए अप्लाइंग मॉडुला या मॉड, अप्लाइंग मॉड या मॉडुला आप लिख सकते हैं, ठीक है, ऑन रैशनल नंबर, रैशनल नंबर तो ले लीजिए। सो थ्री के पास भी मॉड का दिया, और जानते हैं कि कोई भी नंबर हो अगर आप टू का ऊपर इनटू करते हैं तो टू का नीचे भी करना पड़ता है, ये तो रैशनल नंबर का रूल्स है। तो मॉड अगर आप ऊपर लगाए हैं तो नीचे भी आपको करना पड़ेगा। अब देखिए ये माइनस को प्लस करता है, लेकिन अगर प्लस हो तो माइनस नहीं करता भाई, प्लस का प्लस ही रहता है, ये भी याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे प्लस थ्री है तो प्लस थ्री ही रहेगा, माइनस फाइव है तो ये प्लस फाइव हो गया, सिंपल। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि हम क्वेश्चन नंबर सिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं सब में माइनस पाएंगे, ये तो श्योर है। अगर माइनस नहीं हुआ तो वही आंसर हो जाएगा। तो सेकंड नंबर आप क्या है, सेकंड नंबर माइनस फोर अपॉन सेवन, तो सेम ऐसे लिख लीजिएगा आप हर एक नंबर में अप्लाइंग मॉड ऑन रैशनल नंबर। तो आप यहां पे हम अप्लाई कर देते हैं माइनस फोर अपॉन सेवन। अब आगे अगर आपको साइन नहीं दिखता वहां पे क्या होता है, प्लस ही साइन होता है, सिंपल। तो माइनस फोर कितना हो जाएगा, प्लस फोर, क्या बन गया, प्लस फोर, और सेवन प्लस सेवन ही रहेगा, सिंपल। नाउ थर्ड, थर्ड नंबर है आपका एट अपॉन नाइन। अरे ये तो फाइनल आंसर है, इसमें मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है, एट अपॉन नाइन इज आंसर। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि सर मॉडुला यूज किए हैं तो कर लेते हैं, तो कर लीजिए भाई, ना आपको परेशानी ना हमें परेशानी, ऐसे लिख लीजिए और लिख दीजिए वही आंसर, क्योंकि प्लस का प्लस ही होता है, माइनस का माइनस। नाउ फोर्थ, माइनस सिक्स अपॉन माइनस इलेवन, फोर्थ माइनस सिक्स अपॉन माइनस इलेवन, तो मॉड लगा दीजिए माइनस सिक्स अपॉन माइनस इलेवन, ठीक है। और ये लाइन आप सभी में जैसे स्टार्ट करेंगे वहाँ पे आप लिख लीजिएगा सभी में, ऐसे इस जगह में, इस जगह में और इस जगह पे। मॉड माइनस सिक्स का मॉड क्या हो जाएगा, प्लस सिक्स, माइनस इलेवन का क्या हो जाएगा, प्लस इलेवन, सिंपल। ये आपके सभी एब्सोल्यूट वैल्यू हैं, देखिए सभी प्लस में है कि नहीं है, सभी प्लस में है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपको क्या इसमें से मतलब समझने के लिए मिला कि कोई भी नेगेटिव नंबर को एग्जैक्ट पॉजिटिव बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मॉड का यूज़ करते हैं, किसका, मॉड का, सिंपल। इवैल्यूएट, चलिए अब सॉल्व करना है मॉड को, तो मॉड को सॉल्व करते हैं। अभी हमने क्या इसमें से लर्न किया कि मॉड में अगर माइनस है तो क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं। और इसमें हम आपको एक बेस्ट ट्रिक भी, बेस्ट नॉलेज भी बताएंगे, ध्यान से बस सुनिएगा। और ये प्लस जिसके अंदर मॉड होगा, मॉड के अंदर जो होगा वो साइन चेंज होंगे, ये साइन चेंज नहीं होंगे, ये तो बीच में है। ये मॉड के अंदर माइनस थ्री आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, प्लस थ्री अपॉन टू, क्लियर। अब ध्यान सुनिएगा हम कुछ बोलने वाले हैं, ठीक है। आप जब तक मैथ पढ़िए, जब तक आपके हाथ में पेन है और आप मैथ पढ़ रहे हैं और आपको कहीं पे भी रैशनल नंबर मिले, कहीं पे भी, कोई भी क्वेश्चन पे, किसी भी चैप्टर में, और दो रैशनल नंबर है उनके बीच प्लस साइन हो या फिर माइनस साइन, ध्यान से सुन लिए हैं आप कि कोई भी रैशनल नंबर हो, जैसे पी प्लस क्यू है, पी अपॉन क्यू, और यहाँ पे आर अपॉन एस है, हम एक फार्मूला ही बना देते हैं, यहाँ पे प्लस साइन हो या फिर एक माइनस साइन हो, इन दोनों में से कोई भी साइन हो, तो आप क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इनका आप एलसीएम फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम, जैसे यहाँ पे थ्री और टू है तो थ्री और टू का एलसीएम फाइंड करिए, तो टू से पहले फिर थ्री से, क्लियर, इतना आ जाएगा, थ्री टू जो कितना है सिक्स, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस, यहाँ पे नहीं, थोड़ा डिस्टेंस लेके यहाँ पे सिक्स ले दीजिए, और ध्यान समझिएगा हम कुछ बोल रहे हैं, अभी पूरे आपको कभी प्रॉब्लम होगी नहीं, ध्यान से बस देखिएगा। देखिए डिनोमेटर का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग क्या आपने फाइंड किया, एलसीएम, एलसीएम क्या आ गया, सिक्स। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये थ्री को आप टेक करिए और नीचे लाइए सिक्स के पास, और देखिए हमने क्या सिंबल बनाया यहाँ पे, डिवाइड कर, और डिवाइड कर दीजिए, चलिए
थ्री का डिवाइड करिए सिक्स में, हाउ मेनी टाइम्स, टू टाइम्स, थ्री टू जा सिक्स, कितना टू, थ्री टू जा सिक्स, और जितने आपके टर्म्स आए उस टर्म्स को लेके जाइए, टू आया ना, टू का इनटू कर दीजिए कहाँ, न्यूमरेटर में, तो टू अंजा टू। अब बताइए कभी मिस्टेक होगी क्या, नहीं होगी, और बीच में प्लस है प्लस ही रहने दीजिए। अब सेम प्रोसेस जैसे आप इधर किए वैसे इधर लेके आइए, टू को डिवाइड करिए सिक्स में, कितना थ्री, और थ्री को लेके जाइए और टॉप में या न्यूमरेटर में इनटू कर दीजिए, तो थ्री थ्री जा नाइन, सिंपल। इतना नहीं आएगा, अरे इससे आसान क्या होगा बताइए, नाइन टू इलेवन, इलेवन अपॉन सिक्स इज द फाइनल आंसर, है ना इजी। चलिए सेकंड पे चलते हैं, अब तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। फोर एंड सेवन, मॉड फोर अपॉन सेवन माइनस, फिर अंदर माइनस थ्री अपॉन फाइव। चलिए मॉड तोड़िए, ब्रेक करिए, अभी हमने आपसे बताया मॉड के अंदर अगर माइनस है तो हट जाएगा, तो फोर अपॉन सेवन तो फोर अपॉन सेवन ही रहेगा क्योंकि दोनों के दोनों प्लस हैं, यहाँ का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि वो मॉड से बाहर है। अब ये मॉड के अंदर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस थ्री अपॉन फाइव। और जस्ट अब भी हमने आपको कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया है कि अपॉन है बीच में प्लस हो या माइनस, आपको करना क्या है, एलसीएम फाइंड करना है, किसका, डिनोमिनेटर। तो सेवन और फाइव का आप करेंगे तो कर लीजिए, एक बार फाइव से जाएगा एक बार सेवन से, सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, थोड़ा डिस्टेंस लेके यहाँ पे थर्टी फाइव कर लीजिए, इतना तो आ जाएगा। चलिए वही रूल्स जैसे इसमें किए, सेवन का डिवाइड करिए, सेवन फाइव जा फाइव टर्म्स गया, फाइव को लेके टॉप में इनटू कर दीजिए, फाइव फोर जा ट्वेंटी, माइनस सेम प्रोसेस, फाइव का डिवाइड करिए, फाइव सेवन जा और सेवन को लेके जाइए और टॉप में इनटू कर दीजिए, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, इतना आ जाएगा। चलिए अच्छी बात है, अब यहाँ पे देखिए ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी वन, तो जब सब्ट्रैक्ट होगा नो डाउट, यहाँ पे प्लस साइन है तो घटाइए आप, सब्ट्रैक्ट करिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हमारी एक बात भी सुन लीजिए, हमने आपसे बताया ना कि आपको कहीं ना कहीं हमारे से एक ट्रिक ज़रूर मिलेगा, जैसे यहाँ बेस्ट ट्रिक मिला, माइनस हुआ तो भी हम एलसीएम करेंगे, अब यहाँ पे भी एक बेस्ट ट्रिक दे रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट करिए लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, स्टॉप होगी, बस एक काम कर लीजिए, आपका कभी भी साइन में प्रॉब्लम नहीं होगी। इन दोनों में ये देख लीजिए कि दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, बस थोड़ा सा काम कर लीजिए, इन दोनों में देखिए ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 21, 21 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, उसको पहले लिख दीजिए ना, जिस जो नंबर आपका ग्रेटेस्ट होगा उसका साइन पहले लिख दीजिए, फिर आराम से आप माइनस करिए, 21 से 20 माइनस करिए, अपोजिट माइनस करिए, सीधा माइनस करिए, जैसा चाहे वैसे माइनस करिए, आपकी मिस्टेक कभी नहीं होगी। और जल्दबाजी में आप यहाँ वन लिख देते हैं, कोई पूछ दिया 20-21, हड़बड़ा जाते हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लिया करिए, दोनों में ये देखा करिए ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, उसके आगे जो साइन है उसको पहले लिख दीजिए, आपसे लाइफ में कभी गलती नहीं होगी साइन की, क्लियर। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, मॉड माइनस टू अपॉन थ्री माइनस माइनस वन अपॉन सिक्स, चलिए मॉड से माइनस हटाइए, माइनस हो गया प्लस, फिर से माइनस आ गया, माइनस हो गया प्लस, वन अपॉन सिक्स, अब थ्री और सिक्स का एलसीएम आप कर लीजिएगा, सिक्स होगा, ठीक है, अब हमें लर्न है, ठीक है, थ्री का डिवाइड करिए, थ्री टू जा सिक्स, टू को लेके जाइए टॉप में इनटू कर दीजिए, टू टू जा फोर, माइनस सिक्स का डिवाइड करिए, सिक्स वन जा सिक्स, वन आया, वन को ऊपर टॉप में इनटू कर दीजिए। अब देखिए यहाँ भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है नो डाउट, लेकिन प्लस फोर क्या है, कौन सा साइन है, प्लस, अब बताइए दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, फोर, तो इसका प्लस पहले से लिख दीजिए ना भाई, थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए उसके बाद, इतनी जल्दी मत करिए तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। फोर माइनस वन थ्री, थ्री अपॉन सिक्स, अब आप कट कर लीजिए, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, यानी आपका आंसर हुआ वन अपॉन टू। चलिए क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फाइंड मॉड एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस एक्स मॉड, व्हेन एक्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, एक्स की भी दी है वाई की भी दी है, तो चलिए गिवन हमारे पास क्या है, एक्स इज्क्वल टू नाइन एंड वाई इज्क्वल टू वन अपॉन फाइव, लेते हैं फर्स्ट नंबर,
फर्स्ट है एक्स माइनस वाई, तो वैल्यू पुट करिए एक्स में क्या है और दूसरा क्या है वाई माइनस एक्स, ठीक है। एंड कर लेते हैं यहाँ पे, एंड एक साथ करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा, वाई माइनस एक्स ये दोनों फाइंड करना है तो एक साथ कर लेते हैं। फर्स्ट मॉड क्या है, एक्स की वैल्यू 9 माइनस वाई की वैल्यू 1/5, और हमने आपसे पहले ही बताया था फर्स्ट में, फर्स्ट पार्ट में कि रैशनल नंबर, देखिए नंबर लाइन है 1 2 3 4 पर हर एक नंबर के नीचे हम अपॉन 1 लिख सकते हैं। एक ही ऐसा नंबर है जिसके नीचे कुछ भी हम लिख सकते हैं, कोई भी नंबर जीरो को छोड़ के, वो है जीरो। जीरो के नीचे जीरो मत नहीं लिखिएगा क्योंकि 0/0 इन्फिनिटी होता है, ये इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे दी है, ठीक है। तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अभी हमने आपसे क्या बताया कि अपॉन हो, बीच में प्लस या माइनस साइन हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम। और तब तक आप ये मॉड लिखेंगे जब तक अंदर सॉल्व नहीं कर लेते, जब तक ये नंबर एक नहीं हो जाएगा मॉड नहीं ब्रेक होगा, ये बात याद रखिएगा। तो 1 और 5 का एलसीएम 5 ही होगा, नो डाउट। 1 को लेके आइए, डिवाइड करिए जैसा रूल्स था, 1 5 जा 5 9 जा 45, माइनस 5 को लेके आइए डिवाइड करिए 5 1 जा 5, 1 का इंटू 1 में 1। अब 45 ग्रेटेस्ट है भाई, इसके आगे प्लस साइन भी है तो कितना हो जाएगा, प्लस आपका आएगा ही आएगा, 45 माइनस 1 44/5। अब मॉड से तोड़ दीजिए, अब देखिए टूटेगा मॉड से, क्यों, क्योंकि एक सिंगल रैशनल नंबर है, तो प्लस का प्लस ही होता है आंसर और माइनस का प्लस हो जाता है, तो ये आपका फर्स्ट है। अब आते हैं सेकंड, यहाँ पे सेकंड वाई माइनस, इसको अपोजिट लिख दीजिए, 1/5 आगे कर लेते हैं और माइनस एक्स का 9, तो 9/1 ऐसे ही करना है, सेम प्रोसेस। जब तक ये एक सिंगल नहीं होगा मॉड नहीं ब्रेक होगा, 5 और 1 कैल्शियम 5, बस ये अपोजिट हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं करना है। 5 1 जा 5 1 का इंटू 1 में 1, माइनस 1 का लाइए 5 में, 1 5 जा 5 5 9 जा 45। अब वही बात हो गई ना कि दोनों सेम नहीं आए, अभी यहाँ पे सेम तो नहीं ना आएंगे, क्यों, ये आपका प्लस है और ये माइनस, दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 45, आगे कौन सा साइन है, माइनस, माइनस पहले लिखिए, तो -44/5। अब देखिए ये दोनों इक्वल नहीं थे, लेकिन बचा कौन ले गया, मॉड, क्यों, क्योंकि मॉड से माइनस हट जाता है और क्या आ जाता है, प्लस, दोनों सेम हुए, सिंपल। तो हमें करना क्या था, 8 नंबर में सिर्फ फाइंड करना था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, हमें ये फाइंड हुआ कि ये दोनों क्या हुए, इक्वल हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फाइंड मॉड एक्स प्लस वाई व्हेन एक्स इक्वल टू -7 वाई इक्वल टू 3। ये जो कि मैंने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो इससे ज़्यादा इजी है, इसमें तो डबल थे, इसमें तो सिंगल ही है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, मॉड एक्स की वैल्यू -7 प्लस वाई की वैल्यू ओनली 3। अरे ये तो और ज़्यादा आसान हुआ, अपॉन ही नहीं है। अब ये आप बताएं, पहले अंदर सॉल्व कर लें, इसका माइनस मत हटाइएगा, ये मॉड तभी वर्क करता है जब सिंगल रैशनल नंबर हो, और नहीं तो आप सॉल्व करिए और उसे सिंगल करिए, जब तक वो सिंगल नहीं होगा आप उसके साइन नहीं हटा सकते, ये बात याद रखिए। ये नहीं कि यहाँ पे है माइनस तो आप प्लस कर दें, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये जब दो रैशनल नंबर एक जब तक ना हो जाए आप मॉड नहीं हटा सकते। ये देखिए दो नंबर है, जब तक ये एक नंबर ना हो जाए तब तक आप मॉड अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे यहाँ -7 + 4, तो हमने अभी आपको क्या बताया, प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 7 7 क्या है, कौन सा है, माइनस। अब आप आराम से घटाइए, माइनस करिए, 7 - 3 = 4। और अब भी हमने आपसे बताया कि मॉड क्यों अप्लाई होता है, माइनस नंबर को अब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, तो माइनस हट के क्या आ जाएगा, 4, सिंपल, ये आपका आंसर है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, राइट 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर, इस रैशनल नंबर को हमको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर देने हैं। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होते क्या है भाई, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मतलब होता है टेबल पढ़ना है। अब क्यों होते हैं उसकी वजह भी हम आपको बताएंगे। तो
तो आप सबसे पहले लिखिए थ्री इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आर नंबर्स आर। कैसे, ध्यान से देखिएगा, माइनस टू अपॉन थ्री है तो टेबल कर लीजिए। टेबल कैसे भाई, जित आप एकदम फ्री हैं, ऐसा नहीं कि हम टू का ही पढ़ें, थ्री का ही पढ़ें, फोर का पढ़ें, आपकी इच्छा है। हंड्रेड का पढ़िए, टू हंड्रेड का पढ़िए, वन लैख का पढ़िए, तो भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होंगे। ऐसा नहीं कि इसके आंसर शीट में अगर जो आंसर दे दे वही आप माने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसमें एकदम फ्री हैं, फिर भी हम लाइन से ही चलेंगे। जैसे टेबल पढ़ते हैं तो पहले टू वन जो टू, तो वन का तो वही आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो हम इसके लिए हम टू टू जा करते हैं, तो यहाँ पे माइनस टू अपॉन थ्री है, तो आप ऊपर टॉप में टू का इंटू करिए और नीचे भी आप टू का इंटू करिए, तो टेबल हो जाएगा। तो माइनस टू टू जा फोर अपॉन थ्री टू जा सिक्स। अब इसे इक्विवेलेंट क्यों बोलते हैं उसकी वजह आपको बता रहे हैं। इसको इसलिए बोला जाता है कि जो माइनस फोर अपॉन सिक्स है, क्या है माइनस फोर अपॉन सिक्स, अगर ये माइनस फोर अपॉन सिक्स को हम फिर से कट करें तो टू टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स, यही लिखेंगे नहीं लिखेंगे, कट करेंगे तो आंसर आपको क्या मिला, माइनस टू अपॉन थ्री। देखिए सेम है कि नहीं है, मतलब आप जितना भी आप मल्टीप्लाई सेम सेम का इंटू कर लें, आप कट करेंगे तो वही आएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इसलिए तो आपसे बोले कि हंड्रेड का इंटू करिए तो भी सही है। मान लीजिए हम हंड्रेड का इंटू करते हैं, टू अपॉन थ्री इंटू हंड्रेड अपॉन हंड्रेड, तो हंड्रेड टू जा टू हंड्रेड, हंड्रेड थ्री जा थ्री हंड्रेड। अब इसे अभी फिर से कट करिए, जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो, फिर से आ गया माइनस टू अपॉन थ्री, हो गया इक्विवेलेंट। बस इतना बस याद रहे, दोनों नंबर सेम होने चाहिए, तो आपका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। नेक्स्ट, माइनस टू अपॉन थ्री को अब फिर से आगे का टेबल ले लीजिए, ये टू का है, ये थ्री आप ले लीजिए, तो आप बॉन्ड नहीं है कि आप थ्री का ही पढ़ें, जिसका ही पढ़ें, टू थ्री जा सिक्स माइनस सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन। नेक्स्ट, माइनस टू अपॉन थ्री, माइनस टू अपॉन थ्री इंटू फोर अपॉन फोर, फोर टू जा एट माइनस एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व। अभी आप कट करेंगे तो यही आएगा, क्लियर। तो ये फर्स्ट कंप्लीट। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, थ्री अपॉन फाइव, सेम ही है, तो वही टेबल पढ़िए। तो थ्री वन जा तो नहीं करेंगे, टू से ही स्टार्ट करते हैं, तो टू का यहाँ भी कर लीजिए, टू का यहाँ भी कर लीजिए, थ्री टू जा सिक्स, फाइव टू जा टेन, ये आपका फर्स्ट रैशनल नंबर सा है इक्विवेलेंट। फिर थ्री अपॉन फाइव का फिर से टेबल कर लीजिए, थ्री का कर लीजिए, थ्री इंटू थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन। नेक्स्ट फिर से आप कर लीजिए, थ्री अपॉन फाइव, सो थ्री अपॉन फाइव का फोर इंटू फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, फाइव फोर जा ट्वेंटी, ये आपके तीनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हुए। अभी कट करेंगे तो वही आएगा, और ये जो लाइन है ये दोनों में लिख लीजिएगा, यहाँ भी लिख लीजिएगा थ्री इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आर, इसमें भी। तो चलिए इसका भी हम तीन फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट है सेवन अपॉन सिक्स, माइनस सिक्स है, और हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम बी पॉजिटिव इंटीजर, नॉट निगेटिव इंटीजर, ये निगेटिव होते ही नहीं है। तो चलिए फिर भी हमें तो वही करना है, टू अप इंटू टू, सेवन टू जब फोर्टीन, सिक्स टू जब माइनस ट्वेल्व, सेवन अपॉन माइनस सिक्स, सेवन अपॉन माइनस सिक्स इंटू थ्री इंटू थ्री, सेवन थ्री जब ट्वेंटी वन, सिक्स थ्री जा एटीन, एंड लास्ट सेवन अपॉन माइनस सिक्स इंटू फोर इंटू फोर, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट अपॉन सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर। तो ये आपके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हुए, फोर्टीन अपॉन माइनस ट्वेल्व, ट्वेंटी वन अपॉन माइनस एटीन, ट्वेंटी एट अपॉन माइनस ट्वेंटी फोर। सो योर एक्सरसाइज फिनिश्ड। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 को वेट करिए, इससे भी बेस्ट और बेस्ट हम बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे इससे बेस्ट तो हमें नहीं लगता कि आपको चाहिए,
यही आपके लिए बहुत ज़्यादा है और बेस्ट वीडियो भी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जेपी 20 क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।